देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लगभग हर चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। सबक लेने के बजाय कांग्रेस सबसे पहले हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए वो ढूंढती है। कांग्रेस में मंथन जैसा अब कुछ रहा ही नहीं, और ये बात हम नहीं बल्कि वो दिग्गज नेता कबूलने लगे हैं जो पार्टी में पिछले कई सालों से थे और अब उसका दामन छोड़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाम नबी आजाद को ही देख लीजिए। लगभग 50 साल कांग्रेस के साथ जुड़े रहने वाले गुलाम नबी आजाद ने साफ शब्दों में कह दिया कि पार्टी में अनपढ़ों की जमात भरी पड़ी है, राहुल गांधी को राजनीति में रुचि नहीं है। इतना ही नहीं, आजाद ने तो ये तक खुलासा कर दिया कि पार्टी में बात न रखी जाती है न सुनी जाती है। वैसे सिर्फ गुलाम नबी आजाद ही नहीं बल्कि कांग्रेस को लेकर कई नेता खुलासे कर चुके हैं। कांग्रेस अपनी इस बुरी हालत को बचाने के बजाय नए नए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस लोगों को साथ लाकर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के इस कदम पर हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि भारत कहां से टूटा हुआ है जो कांग्रेस उसे जोड़ने चली है। खैर, अपने इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के इसी अभियान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मजे लिए हैं। सरमा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनका जमकर मजाक बनाया। असम के सीएम ने जोर देकर कहा, कांग्रेस को अपना यह अभियान पाकिस्तान में शुरू करना चाहिए, भारत जुड़ा हुआ है और एकजुट है। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। मैं राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को पाकिस्तान ले जाने के लिए सुझाव देना चाहता हूँ। सुनिए हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर किस तरह से तंज कसा। है वो तो भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हूँ। तो जुड़ा हुआ क्या नहीं है? सो 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था, भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रचेष्टा कीजिए, अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। अगर नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र तक कोई भारतवर्ष को जोड़ना जरूरत नहीं है। ये भारतवर्ष बहुत बढ़िया से इंटीग्रेट हो चुका है और इसमें कोई विखंडित होने का और कोई सवाल नहीं है देश में। हिमंता बिस्वा सरमा ने जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, उनके इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि एक वक्त था जब हिमंता बिस्वा सरमा भी कांग्रेस में ही हुआ करते थे। हालांकि कांग्रेस की विचारधारा उनको रास नहीं आई और उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के रंग में हिमंता ऐसे रंगे कि अब कांग्रेस को उसकी असलियत बताने से कभी खुद को रोकते नहीं है। बहरहाल, जिस तरह से हिमंता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा, उसे लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।